बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक लोमड़ी और एक बकरी रहती थी। ये दोनों अच्छे दोस्त थे और साथ में हर जगह घूमते रहते थे। गांव वाले उन्हें बहुत प्यार से देखते थे क्योंकि उनकी दोस्ती ने गांव की चारों तरफ खुशियां बिखेरी थी। एक दिन लोमड़ी ने एक नई चीज सीखी थी, कैसे तेज दौड़ा जाए। उसने बकरी को अपनी नई कला दिखाई और बकरी भी खुश हो गई क्योंकि उसे भी तेज दौड़ने का शौक था। एक दिन गांव में एक मेला आया। गांव वाले सभी उदारता और मिठास के साथ मिलकर मेले में गए। लोमड़ी और बकरी भी मेले में शामिल हो गए और वहां कई रोचक खेलों और विभिन्न वस्त्रों का आनंद लिया। मेले के एक कोने में एक तेज दौड़ का प्रतियोगिता हुई। लोमड़ी और बकरी ने भी भाग लिया। सभी गांव वाले उनको देखकर हैरान रह गए क्योंकि इतनी तेज दौड़ में किसी ने भी उन्हें पीछे नहीं छोड़ा। फिर अचानक एक बड़ी सी खाई आई जिसमें पानी था। लोमड़ी ने बड़ी तेजी से उस खाई को पार कर लिया, लेकिन बकरी थोड़ी देर पीछे रह गई। गांव वाले देखकर हैरान हो गए क्योंकि वे सोच रहे थे कि यह तो अच्छा होगा कि बकरी भी तेज दौड़े, लेकिन बकरी अपनी सीमाओं में रही और अपनी ताकत को समझकर उसी में खुश रही। मेला खत्म हो गया और गांव वाले लोमड़ी की तारीफ कर रहे थे, लेकिन एक बुजुर्ग ने कहा, बकरी भी बहुत ही अच्छी है क्योंकि उसने अपनी सीमाओं में रहकर अपनी मजबूती को समझा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर किसी की ताकत और योग्यता अलग अलग होती है और हमें अपनी सीमाओं में रहकर अपनी मजबूतियों को समझना चाहिए। दोस्ती और साथीपन में हमें किसी की अच्छाई को समझना चाहिए और उसे स्वीकार करना चाहिए। अगर आप कहानी पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारे ब्लॉग वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।